ये मैंने अपनी मॉम को भी कहा था, मैंने कहा ये देखे छोटा बच्चा है लेकिन ये किस तरीके की मुझे मैसेज करता है, किस तरीके की डायलॉग मुझे करता है। तो बट ये कि बाजी ने मुझे कहा कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है, उम्र के साथ साथ सीधा हो जाएगा। नंबर के बाद टैक्स करना, ये करना, वो करना। जब मैंने उसको टोटल रिप्लाई नहीं किया, मैंने उसको अवॉइड किया, उसने मेरे नंबर गली में बांटने शुरू किया। आपने उनको समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि जो सब कुछ हुआ उसमें आपका कोई कसूर नहीं नहीं, मैंने उनका बहुत माइंड क्लियर किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, है। ऐसे ही वो तो छोटा था, ऐसे ही घर पे आता था। वो उल्टा मुझे ही गलत कहते थे, आप गलत हो, आप अपने आप को सही नहीं कर सकी। न्यूज टुडे की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ आपकी हॉस्टल ही ना, जो मेरे साथ लड़की मौजूद है, बाजी का देवर, जिसको सबसे पहले प्रपोज करता है, उसके बाद इसका नंबर लेकर दोस्तों में गली मोहल्ले में बांट के इसे काफी बदनामी करवा देता है। क्यों करवाता है, क्या वजह होती है, आइए सारी कहानी मिनी से भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हानिया। कितने बहन भाई हैं आप? हम दो सिस्टर हैं, एक भाई है। जी दो सिस्टर एक भाई हैं। जी बिल्कुल। तो बाजी आई थी घर पे, तो जी जी क्या हुआ? बाजी बाजी मेरी मैरिड है। अच्छा, कितने साल पहले उनकी शादी हुई है? मैक्सिमम 20 इयर्स हो चुके हैं। जी जी 20 साल हो चुके हैं। तो क्या हुआ था आगे? मेरी स्टोरी काफी मतलब सैड है, ये मैं सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी जो सिस्टर है ना, उनका जो देवर है वो तो बहुत छोटी एज का है। मुझे नहीं पता था कभी मेरे साथ उसकी कोई ऐसी स्टोरीज बन सकती है, बट ये कि बहुत लॉन्ग टाइम हो चुका है इसको, लेकिन ये मेरे लिए एक सबक है और लोगों के लिए भी सबक है। एक दफा ये हुआ कि जो मेरी सिस्टर का देवर है वो मुझसे तकरीबन 7 से 8 साल छोटा है। मुझे नहीं पता था उसका इतना छोटा जहन, इतनी बड़ी बड़ी बात, इतनी मिच्योर पन होगा उसके अंदर। तो वो आया, मुझे इसने सलाम किया, मैंने भी उसको सलाम किया, मैंने उससे प्यार किया, मैंने कहा बाजी को जाके मेरी तरफ से सलाम देना। बस फिर उसके बाद वो गया है यहाँ से। उसके बाद ये तकरीबन मैक्सिमम वो आया 5 मंथ बाद ना, जैसे घर पे आया, फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा काफी दिनों बाद आए बेटा, कहने लगा आप मुझे बेटा ना कहा करें, मुझे आपके मुंह से बेटा अच्छा नहीं लगता कहने। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, क्यों क्या हुआ बताओ बताओ। कहने लगा बस मैंने आपसे कुछ बात करनी है, आपने मुझे अपना नंबर दे। तो फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा मेरा नंबर तो है बाजी के पास। तो कहने लगा मुझे चाहिए आपका नंबर। फिर मैं काफी मतलब सोच में मैं पड़ गई, मैंने कहा ये क्यों मुझसे ऐसे नंबर मांग रहे हैं, क्या वजह है। फिर मैंने बहरहाल उसको अपना नंबर दे दिया ना, फिर वो मेरे पीछे लगने लगा। मैक्सिमम मुझे हर वीक में 2-3 दफा मुझे कॉल करना, मुझे हेलो हाय करना, मेरी तारीफ करना, हर वो बात करना कि मतलब जो एक यंग बॉय करता है ना। तो मेरी ऐसी थिंकिंग ही नहीं, मैंने कहा तो बहुत छोटा बच्चा है, मैं इसको मतलब लाइटली ले रही थी, मैं उसकी तरफ कोई मेरा कॉन्सेंट्रेशन नहीं था। बट ये हुआ कि तकरीबन मैक्सिमम 1 साल पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ, 1 साल पहले मेरी चाचू है, उनकी जो बेटी है उनकी शादी थी चक्कर अच्छा, वो साहब। सब ये करते हैं हम बात, जब मतलब उसने आपको प्रपोज वगैरह किया, जैसे भी बातें करता था, तो क्या आपने अपनी बाजी को बताने की कोशिश नहीं की कि मतलब इसका रवैया ऐसा हो रहा है, तो आप मतलब पहले भी किसी के साथ होता रहा या आपको कोई नई बात है? नहीं, मैंने अपनी बाजी को कहा था, इवन कि मैंने अपनी मॉम को भी कहा था, मैंने कहा ये देखे छोटा बच्चा है लेकिन ये किस तरीके की मुझे मैसेज करता है, किस तरीके की डायलॉग मुझे करता है, तो आई डोंट लाइक दैट। बट ये कि बाजी ने मुझे कहा कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है, उम्र के साथ साथ सीधा हो जाएगा, हो सकता है आपको उस वे में नहीं कहता जो आपको गलत लगे। बस बाजी ने ये कह के मुझे मेरा माइंड चेंज कर दिया। बट ये कि उसकी जो बातें थी ना वो बढ़ती चली जा रही थी, उसने मेरा नंबर लिया है, नंबर के बाद टैक्स करना, ये करना, वो करना। जब मैंने उसको टोटल रिप्लाई नहीं किया, मैंने उसको अवॉइड किया, उसने मेरे नंबर गली में बांटने शुरू किया। अपनी गली में नहीं, वो नेक्स्ट नेक्स्ट मीन्स मतलब फेसबुक पे पता नहीं कहाँ कहाँ मेरा नंबर जाके बांटने लगा। तो तब आपने बाजी को कहा नहीं कि ये देखें क्या हुआ मेरे साथ? हाँ, मैंने बाजी को कहा, मैंने कहा इस तरीके से मेरी बदनामी हो रही है, किस टाइप की हरकतें कर रहा है, इसे आप डांटो। मैंने उनकी सास को भी कहा, मैंने कहा खाला आप इस तरीके से ये जो मुझसे ये हरकतें कर रहा है आप इसे मना करें, बट वो बाज नहीं आया। तो वो जब भी आप बता रही थी कि ऐसे कोई फैमिली में शादी थी? हाँ, फैमिली में चाचू की बेटी की शादी थी, तो हमारे पास आया, कहने लगा मुझे कपड़े ले, आप कपड़े पैक करें, हमने जाना है चाचू की शादी में ना। तो मेरी सिस्टर को मैंने कॉल की, कहने लगा ना ना आप सिस्टर को कॉल ना करें, आप चलें मेरे साथ, सिर्फ हमने कपड़े लिए, हम लोग जैसे सकर तो आपने पहुंचे। मतलब घर वालों से भी नहीं पूछा या घर वालों को बताया होगा मैं इसी साथ चली जाऊं या क्या? नहीं, हमारी फैमिली भी जा रही थी, बट वो मुझे खास अच्छा तौर पे लेना आया था, स्पेशली कह रहा था आप मेरे साथ चलें। तो मुझे बाइक पे लेके गया है, फिर जाते जाते रास्ते में से मुझे काफी मतलब उसने बातें की है कि मैं आपको लाइक करता हूँ और मैं शादी करना चाहता हूँ और आप क्या ख्याल है मेरे बारे में। मैंने उसको टोटल इग्नोर किया। बट जब हम शादी में पहुंचे हैं तो आप यकीन करें वो शादी में हर जगह मेरे पीछे, कभी मेरे खाने की टेबल पे आके सामने बैठ रहा है, कभी क्या बोल के जा रहा है, कभी क्या। मैं उसको बहुत इग्नोर कर रही थी, बट ये कि उसके बाद वो मुझे बहुत तंग किया उसको। फिर मैंने अपनी ये बात मैंने अपनी मामा को बताई, मामा ने कहा नहीं आप छोड़े रहने दें, वो छोटा सा बच्चा है, उसकी तरफ क्या इतना वो जाना ना। बट फिर मेरी मामा ने मेरी शादी की बात शुरू की,
मैक्सिमम 3 इयर्स पहले की बात है। तो मतलब जैसे मैंने शादी के लिए ओके किया, उसके बाद इसने मेरे घर पे आना शुरू कर दिया। आगे कहता था मैं खुद को जान से खुद कर लूंगा, कभी उल्टी सीधी मतलब मुझे पिक्चरें भेज रहा है, जज्बातीपन में आ जाता था। जज्बातीपन में आ जाता था, उल्टी सीधी हरकत, तो जो कहते हैं एक बदनामी वाली होती है वो हरकत। फिर उसके बाद शादी हो गई आपकी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, मेरी शादी को 3 इयर्स हो चुके हैं, बट मेरी शादी वैसी नहीं है जैसे मतलब मैं सोच सकती हूँ कर सकती हूँ कि नहीं मेरी बहुत ज्यादा अच्छी गुजरेगी। ये क्यों, उसकी ऐसा क्यों नहीं है, वजह क्या है? बस उसने मुझे बहुत बदनाम करके रख दिया मेरी अपनी फैमिली में आउटसाइड में, मतलब उसके बाद उसने वो कदम उठाए जो मतलब एक खराब जो लड़के करते हैं ना, उस वैसी हरकतें। और मेरे हस्बैंड भी मुझ पर बहुत शक करते हैं उसकी वजह से, मेरी किसी बात तो पर कभी भरोसा आपने नहीं। उनको समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि ये जो सब कुछ हुआ है उसमें आपका कोई कसूर नहीं है? नहीं मैंने उनका बहुत माइंड क्लियर किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, ऐसे ही वो तो छोटा था ऐसे ही घर पे आता था, वो उल्टा मुझे ही गलत कहते थे, कहते थे आप गलत हो, आप अपने आप को सही नहीं कर सकी, आपने उसको बिला वजह की रिप्लाई की है, आप इतना बड़ी हो जब भी तुम इतना ज्यादा, बस ये कह के उन्होंने मुझे, मैं खुश नहीं हूँ, 3 साल हो चुके मतलब मेरी शादी बिल्कुल वाइंड जा पे उनके साथ। मतलब सास ससुर वगैरह भी कुछ नहीं कहते, समझाने की कोशिश की गलती समझ के माफ कर दो, दोबारा मौका ना नहीं देगी? नहीं सास मेरी इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करती, वो मुझे ही गलत कहती है, देखो आप गलत। तो कहती नहीं कि चलो कोई बात नहीं, एक बार मौका दे देते हैं, मौका देने में क्या है? नहीं मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से, बट वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते इस बात को, वो कहते हैं इसी में कोई बुराई है, वो मुझे ही कहते। तो क्या कहना चाहेंगे आप? बस मैं ये कहती हूँ कि मतलब आजकल की जो छोटी जनरेशन है उनके बहुत माइंड चेंज है, हम उनको जिस तरीके से लेते हैं, हम तो पोलाइटली लेते हैं कि बच्चा है चलो कोई बात नहीं चेंज हो जाएगा सही हो जाएगा, लेकिन बच्चे वो नहीं होते, वो नहीं सोचते जो हम सोचते हैं। तो प्लीज खुदारा मैं सबके मीडिया के सामने सब लोगों के सामने ये कहना चाहूंगी, आजकल के जो बच्चे जनरेशन है ना उनको मोबाइल ना दिया करें, और उनकी जो थिंकिंग है ना वो माँ बाप भी थोड़ा समझ के उनको उनको क्लियर करें उनका माइंड, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाते। जितना सीन आपने इसकी कहानी सुनी, उम्मीद करती हूँ आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा भी होगा। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।